पी मलिक म्यूजिक की नई प्रस्तुति पी मलिक। ये मनुष्य का शरीर दिया, इस सोने को पाकर हम किसी की बुराई करते हैं, किसी के हक को छीन कर खा जाते हैं, परमात्मा के भजन कीर्तन सत्संग में नहीं जाते, तो इसमें भगवान का कोई दोष नहीं। भगवान ने इस जीव को बड़ा बड़ा उपकार परमात्मा ने मनुष्य शरीर पर किया है, और इस सोले को पाकर हम परमात्मा के सत्संग कीर्तन में नहीं जाते, तो इसमें भगवान का कोई दोष नहीं। जब इंसान मां के गर्भ में होता है तो हजार प्रकार के वायदे करता है, परमात्मा मेरे को इस नरक से बाहर कीजिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपको श्वास श्वास में रटूंगा। भगवान जीव की इच्छा पूरी कर देते हैं, लेकिन जैसे ही मोह माया के संसार में पैदा होता है, इस मोह माया के संसार की ऐसी हवा लगती है कि भूल जाता है जिस भगवान के घर से मैं आया हूं, एक ना एक दिन मुझे अपनी हाजिरी वहां पर अवश्य देनी पड़ेगी। संतों की वाणी है, भगवान के सत्संग कीर्तन में आओ तो ध्यान यहीं पर होना चाहिए, लेकिन खुला भगवान के सत्संग कीर्तन में आए हो तो ध्यान परमात्मा के चरणों में होना चाहिए। कैसे? सत्संग एक ऐसी गंगा है कि कैसे बुरे से बुरा इंसान हो, अगर वो सत्संग में आ जाए तो उसकी गति हो जाती है, क्योंकि सत्संग की आदि घड़ी डीकड़ा पड़ा हो, कोई उसका को ठोकर मारेगा, कोई किम्मा करेगा, कोई किम्मा करेगा, लेकिन कुल्फी में गाल के बेच दो जब वे बिक जाएगा जी। ये संगत का फर्क है, संगत का फर्क है, कुल्फी में लाकर रस का बीज का जरूर बिकेगा। आइएगा, अरे नौ मास गर्भ में खूब है भजारे शादी कर दी जाती है, दरिया के मोह में जीवन गुजार देता है। जब जवानी ढलती है सोचता मैं अपने बेटों के लिए महल हवेली बंगले गाड़ियां खरीदूं, सब कुछ करता है, लेकिन जब शरीर में बुढ़ापा आ जाता है, जिस पर
परिवार के लिए दिन देखा ने रात देखी, वे बेटे नू कहेंगे भाई नू करो रहे पिताजी किसी काबिल नहीं रहे, नू करो पिताजी खाट गुण में गाल दो, गुण में खाट गाल देंगे, पड़ा पड़ा कर रहा है जागा कैसे। जब आया बुढ़ापा जाता है ना, कहते हैं हर फल जितना पकता जाता उतना मीठा होता चला जाता, लेकिन बुढ़ापा ऐसा फल है कि जितना पकता जाता उतना कड़वा होता चला जाता, कभी जोड़ों में दर्द, कभी खांसी, कभी बुखार, चाकर के भी बुढ़ापे में परमात्मा का भजन नहीं हो पाता है।